भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक दीनदयाल जी उपाध्याय जी का जयंती भी है, सारे देश के अंदर उसको हम मना रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं कि जिस पौधे की उन्होंने नींव रखी थी, आज वो वट वृक्ष बन के भारत की जनता की, भारतीय जनता पार्टी के रूप में सेवा कर रहा है। आज की मीटिंग के दो मुख्य उद्देश्य हैं, किसान आंदोलन और बड़ौदा उपचुनाव। सबसे पहले तो मैं बड़ौदा उपचुनाव के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। बड़ौदा उपचुनाव का मैं प्रदेश का प्रभारी हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नियुक्त किया था और कई गांव में मैं गया हूं, कई बार मैंने क्षेत्र का भ्रमण किया है। एक बार मुख्यमंत्री जी भी गए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए हैं और भारतीय जनता पार्टी के और या हमारे सहयोगी हैं जैसे चेयरमैन साहब हैं सांगवीर जी सांगवान जी भी गए हैं, शमशेर खरकड़ा जी भी गए हैं और बहुत सारे नेता। जनता की भावनाओं को जानना, जनता की आकांक्षाओं को अपेक्षाओं को समझना और वहाँ की समस्याओं को समझकर उसका समाधान करने का जो वक्त था वो हमने कोशिश की है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि बड़ौदा के अंदर, और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने प्रोजेक्ट मंजूर किए हैं जो पहले 50 साल में बड़ौदा में कभी नहीं हुए। इसमें बिजली विभाग की तरफ से लगभग 40 करोड़ रुपए की योजनाएं की मंजूरी मिली है, 633 केवी के सब स्टेशन, 7 अलग से ऑगमेंटेशन के, 235 ट्रांसफार्मर भी दिए, कंडक्टर 219 किलोमीटर में बदला गया, फीडर बाइफरकेशन 23 नंबर का हुआ। किसानों का हित इलाका है और हमारे समझ में आ गया कि दुर्भाग्य से जल भराव की समस्या भी वही है, दुर्भाग्य से पीने के पानी की समस्या भी वही है। एक तरफ से फसल के लिए, खेती करने के लिए जल भराव होता रहता है, ड्रेन वहाँ से बड़ी निकलती है, किसान अपनी फसल नहीं बो पाता। एक तरफ है उन्हीं गाँव में जहाँ जल भराव है, पीने का पानी नहीं था, तो मुख्यमंत्री जी ने बड़े दिल खोल करके जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100,37,00,000 रुपए के मंजूर कर दिए। काम मंजूर करके, टेक्निकल सेंक्शन दे के, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे के टेंडर कर चुके हैं। सिर्फ और पार्टियां पत्थर लगाने में रुचि रखती है, हमारे यहाँ मौके पर काम शुरू हो गया है। इसमें 8 नए नए कैनाल बेस्ड वाटर वर्क्स हैं, छिछड़ाना, बड़ौदा, निजामपुर, राणाखेड़ी, अवतन, सिकंदरपुर माजरा, रामगढ़ व मारा है। ये इस इलाके के पीने के पानी की सारी समस्या को दूर हो जाएगी और पंचायत विभाग के गली के काम थे, एससी चौपाल के काम थे, बैकवर्ड चौपाल के काम थे, शमशान घाट के रास्ते के काम थे, गऊ घाट बनवाने के काम थे, तालाब को रिटेनिंग वाल बनाने के काम थे। 65 करोड़ रुपए मंजूर करके विभाग ने नीचे भेज दिए। ये जो मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, मैं आपको पिछले महीने का लेखा जोखा देने जा रहा हूँ, क्योंकि बड़ौदा का चुनाव हो सकता है कि संभावित है कि आज घोषणा ही हो जाए, तो हमने वहाँ 65 करोड़ रुपए सरपंचों के खाते में, बीडीओ के खाते में भिजवा दिए हैं। मार्केटिंग बोर्ड द्वारा लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि 31 किलोमीटर की नई सड़कों के निर्माण के लिए दे दिया। उनका तो मैं कल, क्योंकि मैं महकमे का वजीर हूँ, मैंने शिलान्यास कर दिया उनका। 13 करोड़ रुपए की राशि से 27 सड़कें रिपेयर की थी, उसका भी काम शुरू हो गया है, जिनकी लंबाई 85 किलोमीटर है। पीडब्ल्यूडी की 41 करोड़ रुपए की 45 सड़कें, उनका भी टेंडर होके काम अलॉटमेंट हो चुका है, काम शुरू होने जा रहा है। तो इस तरह से बड़ौदा में कुल मिला के
लगभग 56 के आसपास ही गांव हैं। तो हमने 45 सड़क किए और 27 सड़क एक और 31 सड़क एक, हर गांव में लगभग लगभग एक दो सड़क है, सब पे काम शुरू करवा दिया है। दूसरी, वहां पर मंडियों की संख्या परचेज के लोगों ने की कि बाजरे की परचेज शुरू होनी चाहिए, उसके लिए जितनी मांग की हमने उतनी मंडियां वहां पर मंजूर करा दी। एक जल भराव के लिए ड्रेन की गहराई से खुदाई करना, पानी निकाल के जब किसान की खेती के लिए जमीन उपलब्ध कराना, उसकी योजना भी जल सिंचाई विभाग द्वारा बनाई जा रही है। इस बार जो है हमें आशंका है कि इस इलाके के अंदर 1121 धान बोया जाता है जिसकी परचेज नहीं होती थी। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए हैं कि 1121 धान की भी मंडी में परचेज होगी, 1 तारीख से हम ये परचेज शुरू करा देंगे। इस इलाके के किसानों को मुख्य समस्या एक क्या है, धान का इलाका है, तो एक एफएड के द्वारा मुख्यमंत्री जी ने मंजूरी दे दी है राइस मिल की। एफएड के द्वारा 12 करोड़ रुपए की लागत से एक राइस मिल वहां पर लग जाएगा, जिससे किसानों को अपने धान को इधर उधर ले जाने के बजाय वहीं उनका प्रोसेस हो जाएगा। वहां पर बेरोजगारों की समस्या है, किसान के बेटे बेरोजगार हैं। मुख्यमंत्री जी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है कि एक IMT बड़ौदा हल्के के अंदर बनाया जाए। उससे होगा क्या, एक तो बड़ौदा के अंदर एक्सप्रेसवे निकल रहा है जो अमृतसर वाला एक्सप्रेस है दिल्ली से चल के, तो दिल्ली का रास्ता बड़ौदा से जिस दिन एक्सप्रेसवे निकल जाएगा गोहाना से सारा आधा पौना घंटे का रास्ता हो जाएगा। उसके ऊपर IMT हम अगर बढ़ा देते हैं तो उद्योग आ जाएंगे दिल्ली के, जिस तरह गुड़गांव में है, सोना में है या फरीदाबाद में है, उतनी दूर बड़ौदा हो जाएगा, उतनी दूर ये क्षेत्र हो जाएगा, और इससे हजारों करोड़ रुपए किसानों को पैसा मिलेगा। जो जल भराव या ख़राब सी ज़मीन है जिनमें अच्छी उपज भी नहीं होती, 5-7 गांव के ज़मीन में वो उपयुक्त इलाका करके उनको घोषणा कर दी जाएगी, बता दिया जाएगा कि इस गांव में जाएगा। अधिकारियों को आदेश दे दिया था मुख्यमंत्री जी ने और वो मौके पर जाके सर्वे का काम शुरू कर रखा है। हमारे सांगवान साहब हैं, हमें विधायक सांगवान साहब के प्रधान भी हैं पूरे देश के, ये उस इलाके के अंदर गए, वहाँ पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जनता कॉलेज जो बहुत पुरानी है, उसके भावना लोगों की उनसे जुड़ी हुई थी कि भाई इस इंस्टीट्यूट जो कभी पुराने चंदा इकट्ठा कर करके समाज ने अपने दम पे खासकर सांगवानों के इलाके में ये किया गया था, उसको अपग्रेड करने की मांग की थी। मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि लोगों की जन भावना के अनुरूप अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनने का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके और जनता कॉलेज को एक यूनिवर्सिटी में बदल दिया जाए, हरियाणा का किसान, हरियाणा का ग्रामीण, हरियाणा का सारा जनता वो इस चीज़ पे भरोसा करती है कि जिस तरह से मोदी जी ने फैसले लिए, तो एक फैसला उसका अभी प्रक्रिया जारी है किसानों की आमदनी दुगनी करने का। मोदी जी ने अब इसमें कदम बढ़ाने शुरू किए, जो ही मोदी जी ने कदम बढ़ाया, मंडियों की वैकल्पिक व्यवस्था दी, 3 ये अध्यादेश लेके आए जो अब बिल का स्वरूप बढ़ चुके हैं, ये 100% किसान हितैषी हैं और हरियाणा का किसान जो है इसका समर्थन करता है। कुछ बिचौलिए, कुछ कांग्रेस हितैषी, कुछ कांग्रेस के वर्कर या विपक्षी पार्टियों के नेता, उनको एक समस्या आ गई है कि मोदी जी ने किसान की आमदनी दुगनी कर दी तो उनको राजनीति अगले 15-20 साल के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसी चिंता से ग्रस्त होकर वो भ्रम फैलाने की कोशिश करते रहे हैं। और लेकिन मैं हरियाणा का किसान का धन्यवाद अदा करता हूँ कि वो मुख्यतः बहुमत का किसान अपने खेतों में अपनी फसल की कटाई में व्यस्त है, धान की कटाई चल रही है, कपास की चुगाई चल रही है, बाजरे की निकालने का काम चल रहा है, मूंग की कटाई चल रही है, किसान को फुर्सत नहीं है सड़कों पे आने पे। लेकिन जिन लोगों को फुर्सत में कर दिया जनता ने, उन कांग्रेसियों को फुर्सत है
वो अपने किसान का भेष बदल के और अपने बिचौलियों को साथ लेकर वो सड़कों पे बैठ रहे हैं। मैं उनको आगाह कर देता हूँ कि हरियाणा का किसान, हरियाणा का नागरिक स्वाभिमानी है, कभी भी किसी भी रूप में उसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी या रॉबर्ट वाड्रा का नेतृत्व मंजूर नहीं होगा। उसको मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर पूरा पूरा भरोसा है।